हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक मास्टर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा एंटिम क्रूड के बारे में, जो कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके बारे में आप लोग को फुल डिटेल के साथ समझाऊंगा क्या इसके मुख्य लक्षण है, जिनके आधार पर आप दवाई का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम इसके वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एंटिम क्रूड एक एंटी सूरिक मेडिसिन है, ऐसी शिकायतों में जो कि पेट की खराबी से हुआ करती है, अक्सर करके यह मेडिसिन आवश्यक हुआ करती है। मानसिक और परिपाक संबंधित लक्षणों द्वारा इसे पहचाना जाता है। इसके लक्षण इतने स्पष्ट होते हैं कि निर्वाचन में भी जरा भी कठिनाई नहीं होती है। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इसके मुख्य लक्षणों के बारे में। दोस्तों, एंटिम क्रूड रोगी को खुले स्थान की हवा में आराम मिलता है। गठिया या वात रोग की बढ़ोतरी ठंडे और नम मौसम में ठंडे पानी से नहाने से तथा रात के समय होती है। बहुत देर तक ठंडे पानी में नहाने या दरिया में तैरने के बाद किसी प्रकार की बीमारी होने पर यह मेडिसिन अत्यधिक लाभदायक साबित होती है। चुपचाप पड़े रहने से, सेंक से या गर्म पानी से नहाने से आराम मिलता है, मगर अत्यधिक गर्मी, गर्म कमरा, सूरज की तेज किरण और अंगीठी या खुली हुई आग के पास बैठने से सारे तकलीफें बढ़ जाती हैं। खुली हुई आग के पास रहने ही से, यहाँ तक कि उसकी तरफ ताकने से भी कुकुर खांसी बढ़ जाती है। परिश्रम से या अन्य किसी कारण से शरीर गर्म हो जाने पर गला बैठ जाता है। सूरज की गर्मी से गर्म कमरे के अंदर ठंडे पानी में नहाने से खांसी बढ़ जाती है। खटाई, खट्टी शराब और हर तरह के उत्तेजक पदार्थ से इसकी तकलीफें बढ़ने लग जाती हैं। गर्मी के मौसम में रोगी बहुत ही थकावट मालूम करता है, इसलिए गर्म मौसम में पेट की खराबी के लिए यह एक उत्तम औषधि है। छोटा बच्चा ठंडे पानी से नहाने से रोता है, नहाने से डरता है, रोगी की परिवर्तनशीलता इसमें पाई जाती है। रोग लक्षण शरीर के एक तरफ से अदृश्य होकर के दूसरी तरफ प्रकट हो जाते हैं, यह एंटिम क्रूड मेडिसिन का एक व्यापक लक्षण है। चिड़चिड़े मिजाज के छोटे छोटे बच्चों के रोग में यह अक्सर उपयोगी होती है। एंटिम क्रूड वाला बच्चा बाहर के किसी अपरिचित मनुष्य के छूने या उसकी तरफ ताकने, यहाँ तक कि उससे प्यार से बोलने पर भी नाखुश हो जाता है और रोने लगता है। एंटिम क्रूड का यह लक्षण बड़ा ही विश्वास योग्य है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया एंटिम क्रूड मेडिसिन के कुछ मुख्य लक्षणों के बारे में, जिसके द्वारा आप एंटिम क्रूड मेडिसिन का चुनाव कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में से ज़रूर से पूछें। एंड दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को क्लिक जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन इस चैनल से रिलेटेड मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।